पटसारा मणिपुर से पास के बैंगरी मुख सड़क तक जाने के लिए यह सड़क है और बताते हैं कि सड़क के निर्माण की मांग कई साल पहले से की जा रही है। विधायक के चेहरे बदले, पहले पूर्व विधायक महेश्वर प्रसाद यादव थे, जिसके बाद निरंजन राय गायघाट विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक हैं। पटसारा गांव के लोगों का बताना है कि वर्तमान विधायक से भी इस सड़क के निर्माण की मांग की गई और इसके पहले जो विधायक थे उनके समय में भी कई बार इस सड़क के निर्माण की मांग की गई, लेकिन पटसारा जाने वाली यह मुख्य सड़क नहीं बना। दिक्कत यही है सर कि रोड में यहाँ से बेंगरी तक चलने में करीब 1 किलो का लगभग इतना खराब है कि कभी एक्सीडेंट होता है, कभी गिर जाते हैं लोग, और बाढ़ में पानी आने से तो और परेशानी है, गाड़ी घोड़ा से लोग जा नहीं पाते हैं मेन रोड पर। और किसी समस्या से हम लोग वक्त पास करते हैं, 6 महीना बाढ़ का जमाना रहता है, उसमें बड़ा परेशानी यहाँ के लोग को, माँ बहनों को भी होता है कि कपड़ा ये करके जाना पड़ता है। और हमेशा विधायक जी को, इसके पहले पूर्व मुखिया थे, उनको कह के रह गए, अच्छा हो जाएगा, वोट लेके तो चले जाते हैं, फिर दोबारा मुलाकात नहीं होते, या समस्या क्या डील करेंगे। ये रोड बेंगनी वाला रोड में जुट जाएगा। ये जहाँ खड़े हैं वो कौन सा गांव है? पटसारा है, मणिपुर। पटसारा मणिपुर जी, मरल्ला टोला, यहाँ से मुख्य सड़क में जाता है। जी जी जी, मुख्य सड़क में सैदपुर सरफुद्दीनपुर वाले में। हाँ हाँ, तो ये सड़क निर्माण का मांग नहीं कर रहे आप लोग? हम लोग मांग कर रहे हैं, विधायक जी को भी बोले हैं, उसके पूर्व मुखिया भी थे उनको भी बोले हैं कि हाँ कर रहे हैं। विधायक जी जो निरंजन राय जीते हैं, उसके पहले मैसर जी भी थे, उनको भी कह के नहीं नहीं हो जाएगा, उसके बाद तो इलेक्शन चले आया बाढ़ के जमाना के बाद, तो निरंजन राय जी के नहीं आपकी बार हम अप्रैल जनवरी में कर देते हैं, फिर दोबारा मुलाकातें नहीं हो तो करेंगे क्या, वो फिर दोबारा दिखाई नहीं। तो फिर कैसे रहते हैं आप लोग? हम लोग इसी तरह मजबूरी में किसी तरह समस्या को झेल के हमारी माँ बहन या यहाँ के जनता रहते हैं। क्या मांग करना चाह रहे हैं? हमारा मांग करना चाहे कि रोड बन जाए, कभी रात को लोग गिर जाते हैं, कभी एक्सीडेंट हो जाते हैं, क्योंकि रोड का देख लीजिए किस तरह हाल है, इस वजह से हम लोग परेशान हैं। ये रोड बन जाना चाहिए कि जो परेशानी हम लोग का दूर हो जाए। क्या नाम हो आपका? मोहम्मद हलीम। आपको बता दें कि सड़क में बैंगरी की तरफ से कुछ दूर तक ढलुआ सड़क बन गया, लेकिन बाकी जो सड़क बचा हुआ है वह सोलिंग वाली सड़क है, जहां बिहार में सरकार लगातार पक्की सड़क बनाने का दावा कर रही है और लगातार पुल पुलिया बनाया जा रहा है। इसी बीच में बंदरा प्रखंड का पटसारा का यह हिस्सा है जहां की बड़ी आबादी को चलने के लिए सड़क नहीं है। जो यहां सोलिंग वाली सड़क है उस पर सुरक्षित गाड़ियों का परिचालन संभव नहीं है, बाइक भी ठीक से नहीं चल पाती है। तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि किस तरीके से इस सड़क पर लोग सफर करते होंगे। पटसारा गांव की बड़ी आबादी इससे प्रभावित होती है। अभी इस रोड का ऐसा अवस्था है, जो गाड़ी जाएगा तो समझे गाड़ी जाना ही पड़ता, डेली अगर कोई नया आदमी रहे तो तुरंत एक्सीडेंट हो जाएगा, समझे कितना बार गिरा है, 2 समझे आगे पीपल का गाछ वहाँ पर मरो किया, 2 हमारा है, और निरंजन राय को जीते हुए करीब 13 महीना हो गया, जो ये बोले थे तुरंत ये बन जाएगा, अभी तक इस समस्या का कोई सावधानी नहीं दिया। कहाँ से कहाँ तक सड़क जाती है? ये बेंगरी तक सड़क जा रही है। हमको लगता है बाइक भी ठीक से नहीं चलता होगा। एकदम ठीक से नहीं चल रहा, बाइक चलेगा वो हिलेगा, बाइक जब चलेगा तो समझिए जंपिंग करता है खरंजा में, कोई भी नया आदमी नहीं जा सकता, बैठा के नहीं जा सकता, बड़ा गाड़ी भी नहीं आ पाता है। आपको बता दें कि विभिन्न जातियों के लोग यहाँ बसते हैं और जिनके लिए सड़क का अभाव है और इस सड़क का मांग कई साल से किया जा रहा है। A to Z न्यूज लाइव से बातचीत करते हुए ग्रामीणों ने बताया कि इस सड़क के निर्माण की मांग कई साल से की जा रही है। वर्तमान में जो पंचायती राज के प्रतिनिधि हैं उन्होंने भी आश्वासन दिया है और उनसे काफी उम्मीद भी है। इससे पहले भी पंचायती राज के कई प्रतिनिधि बदलते रहे, विधानसभा क्षेत्र के भी कई प्रतिनिधि बदलते रहे, लेकिन इस इलाके की तस्वीर नहीं बदली, लिहाजा लोगों ने इस सड़क को बनाने का मुद्दा एक बार फिर से उछाला है और फिर से यहाँ पर सड़क निर्माण की मांग शुरू कर दी गई है। सर दिक्कत है यही रोड का, मतलब है दिक्कत सभी के, पूरा पब्लिक के, और ये जब बाढ़ आता है तो डूब जाता है, अब बुझाता नहीं कि क्या किधर है नीचा किधर गड्ढा है, इसी कारण से 2 आदमी जो है ना, दो बच्चा डूब गया है उसी बाढ़ में। हाँ बाढ़ में मतलब डूब गया है, सबको परेशानी रोड गए, आज सड़क नहीं बन रहा है। ये कौन सा गाँव हुआ? ये हो गया आप पटसारा। कहाँ तक सड़क जाएगी? सर ये बेंगरी तलक रोड सर। क्या नाम हुआ आपका? उपिंदर पासवान सर। क्या नाम हुआ आपका? सप्रोहन सर। वार्ड सदस्य आप जी। सड़क का मामला तो यहाँ पर इतना गड़बड़ है जी, जो हम लोग का यहाँ से डिलीवरी परसेंट ब्लॉक स्तर ले जाना पड़ता है, तो 2-3% को हम लेकर के जा रहे हैं, तो इतना प्रॉब्लम लग रहा है जी, इसके 1 किलोमीटर के चक्कर में हम लोग का 5 किलोमीटर के चक्कर दूर से घूम के जाना होता है, बहुत दूर से जाना पड़ता है। तो आप कितना दिन से वार्ड सदस्य? पहली बार बने? पहली, अभी पड़ी। तो इससे पहले से भी ये परेशानी है? बहुत परेशानी है पहले से। तो मांग नहीं किए जो जनप्रतिनिधियों से? महेश्वर जी थे विधायक, उनको भी बोले गए, हम लोग बहुत
प्रयास किए, उनके रिजिन में नहीं हुए। अभी वर्तमान में जो निरंजन यादव जी हैं उनका भी बोले तो वो भी आश्वासन दे रहे हैं, देखिए क्या कर रहे हैं। हल्की बारिश में भी लोग नहीं चलते होंगे साइकिल से, कि पैदल से जाना मुश्किल हो जाता, पैदल भी लोग नहीं जाते, पैदल भी जाना गिर जाते हैं। क्या मांग करना चाहते हैं आप प्रतिनिधि हैं? देखिए हम लोग का यह सड़क का एकदम अनिवार्य है जी बन जाना चाहिए। हम लोग ये रिक्वेस्ट करेंगे सर, जो सरकार पैसा देते हैं खर्च करने के लिए, रोड बनता है क्यों? जनता के सुविधा के लिए, लेकिन जनता एक साल सुविधा करने के बाद दूसरा साल असुविधा में चलाता है और पैसा चला जाता है ठेकेदार के जिम्मे। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम जनता के लिए जो सरकार अगर सुविधा देना चाहते हैं तो रोड पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए कि रोड ऐसा बने कि कम से कम 5 साल चले, 10 साल चले, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब मछली का काम करते हैं जी, तो आने जाने में परेशानी होती होगी। परेशानी क्या है, बूढ़े आदमी हम ऐसे ऐसे जगह पर गिर जाते हैं जो समझिए हाथ पैर टूटने से बच जाता है, दो मरते क्या, सौदा भी खराब हो जाता है, बिल्कुल छिटा फिटा जाता है रोड में। तो मुनाफा क्या होगा, नुकसान हो जाता है, बीमार भी हो जाते हैं। लेकिन हम लोग जाए कहाँ तक जाए, हमको तो वहाँ तक पहुँचने के लायक हम है ही नहीं है। हम तो ज्यादा से ज्यादा मछली के व्यवसाय करते हैं तालाब तक जाने के लायक। सर हम लोगों के रोडे का दिक्कत है बहुत ज्यादा, यहाँ परसारा से लेकर बैंगरी तक के बहुत परेशानी होता है, बाहर बाहर में पानी हिल हिल के जाना पड़ता है, बहुत बहुत पानी हिल हिल के, इधर डूबने का डर रहता है, इधर डूबने का डर रहता है, दोनों तरफ गड्ढा उड्ढा है। अच्छा, दो बार इससे पहले भी मुखिया, अभी जो नया मुखिया बने हैं वो तो समझिए आश्वासन दिए हैं कि रोड का काम हो जाएगा पूरा, समझा, दो बार बना वो लोग भी ध्यान नहीं दिया, निरंजन आए थे वो भी 13 महीना हो गया अभी कुछ ध्यान नहीं दिया। किस पंचायत में पड़ता है ये? आपको पटसरा पंचायत बैठ पड़ता है, पटसरा पंचायत। क्या मांग करना चाहते हैं जो विधायक हैं, आपसे क्या कहना चाहते हैं उनसे? कुछ नहीं, हम लोग का रोड बन जाए इस समस्या का समाधान, और क्या चाहिए उनसे? विधायक चाहेंगे तो बन जाएगा, विधायक चाहेगा एकदम बन जाएगा रोड, पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है। लेकिन क्यों नहीं चाहते? क्यों नहीं चाहते वो जाने, वो तो बोले थे जब तक 4-5 महीना 6 महीना में रोड बन जाएगा, अभी तक कुछ सुनवाई नहीं रोड का, पहले बार पास हुआ हुआ अभी तक बना ही नहीं। इससे पहले भी समझिए 10 साल पहले भी इस पे माटी उटी गिरा था, माटी उटी गिरा था, माटी उटी गिरा के बोला रोड बन जाएगा, अब पूरा माटी उटी फिर ईटा उटा सब हटा के समस्या समझिए खेल। उस समय कौन विधायक थे? उस समय थे महेश्वर यादव। तो उस समय भी नहीं बना, उस समय भी पूरा गिरा क्यों नहीं बनवाए? क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अजहर। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि पटसारा से बैंगरी मुख्य पथ तक जाने के लिए यह जो सड़क है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इस सड़क का बनाना काफ़ी लाजिमी भी है गांव के उद्धार के लिए, गांव के संपर्क सड़क, गांव की एक बड़ी आबादी के आवागमन की सुविधा बनाने के लिए सड़क का बनना जरूरी है। गाँव के लोग एक बार फिर से इस सड़क निर्माण की मांग तेज कर दिए हैं। लोगों का बताना है कि खासकर बाढ़ बरसात के दिनों में भी मुश्किल होता है, और कई बार यहाँ ना चाह के भी लोग हादसे के शिकार हो जाते हैं, रात के अंधेरों में भी सड़क पर चलना काफ़ी खतरनाक साबित होता है। दीपक कुमार तिवारी, A to Z News Live, मुजफ्फरपुर बिहार।